बिल्कुल इस वक्त हम लोग मौजूद है कराची के नेशनल स्टेडियम में। आज वापिस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे शुरू है। हमारे साथ मोहब्बे वतन पाकिस्तानी तमाशाई मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो कितना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। जी बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हम इस वक्त कराची के स्टेडियम में बिल्कुल मौजूद है और इस वक्त आप भी देख सकते हैं, हमें खुशी महसूस हो रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो हमारे लिए पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट लेकर आए, और हम पीसीबी बोर्ड का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। और माशाल्लाह हम इंजॉय कर रहे हैं अच्छी भरपूर तरीके से। चले अभी हम आपको और भी हमारे जो तमाशाई है उनसे भी बात करवाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कितने इंजॉयमेंट कर रहे हैं इस क्रिकेट मैच में, इस नेशनल स्टेडियम में। हम मैच देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त मजा आ रहा है भाई। वो आपने कहा था कि नजर नहीं आ रहे, कोई दरबार है तो जल्दी जल्दी से टिकट खरीदो और अंदर आओ, अभी दूसरे दिन शो होगा पाकिस्तान का। नहीं आपने कहा था कि नजर नहीं आ रहा था, फिर आप इधर आएंगे, आज के बारे में उधर आएंगे तो नहीं वो किधर होगा वो कब नहीं है 13 को 15 का इलेक्शन है। हाँ इलेक्शन वोट किसको देंगे, वोट वोट तारीख, अरे सियासी सवाल, वोट का याद किसी को आएगा तो भाई बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज बन सकता है। 13 तारीख याद करो, ये तो खान का ये बताए, टेंशन फ्री करने के लिए इधर आए, क्या कहना चाहेंगे जिमेश के बारे में? तो ये बताए टीवी में ज्यादा मजा आ रहा है या यहाँ देख के मजा आ रहा है? टीवी में टीवी का अपना मजा है, इसका अच्छा मजा। आपके साथ जी बेटा बताए, इंजॉय कर रहे हैं मैच की आज? हाँ कौन सा खिलाड़ी पसंद है? वाह भाई ये भी नसीम शाह, नसीम शाह हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि पाकिस्तान एक, इस बात की खुशी तो सबसे पहले कि पाकिस्तान एक पुरमल मुल्क न्यूजीलैंड मान चुका है, क्योंकि पहले सिक्योरिटी का इशू था, अब माशाल्लाह सिक्योरिटी का इशू भी क्लियर हो गया और मैच भी इंजॉय कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी पुरमन लोग हैं, यहाँ पर कोई भी मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बाकी भी तमाम अकवाम से जितने भी मुल्क हैं उनसे ये इंतजार करते हैं कि भाई आए और यहाँ क्रिकेट खेलें, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम आपको इज्जत देगी और इज्जत के साथ यहाँ से रुसत करेगी। बिल्कुल इस भाई का ये कहना था कि पहले न्यूजीलैंड ने बहाना बनाया था कि भाई यहाँ सिक्योरिटी का इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इनका सिक्योरिटी का जो इशू था वो भी हल करवा दिया है और अभी पुरअमन तरीके से न्यूजीलैंड खेल रही है। जी और भी बाकी साथी से पूछने की कोशिश करते हैं, आमिर साहब क्या कहना चाहते हैं? सर जी इधर आओ। जी हमारे सर आए हैं, सर से पूछने की कोशिश करते हैं, सर आप क्यों आए थे? बस इंजॉय करने में ही देखने पाकिस्तान में, और काफ़ी अर्से बाद बाहर हुई है पाकिस्तान में क्रिकेट की, तो काफ़ी खुशी भी है इस बात की, और ग्राउंड माशाल्लाह बहुत आया हुआ है। इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो क्रिकेट करते हैं, जिंदादिल आवाम है और क्रिकेट से लव करते हैं बहुत ज़्यादा। आज आपने काम काज छोड़ दिया, आप इधर आए हैं? नहीं मैं काम काज से मिला कर आया हूँ, काम काज अलहमदिल्ला काम काज पूरा कर कर आए थे, और ये है कि दोस्तों की दावत थी। सर अभी तो पता चलेगा तो पता चले चले भाई, ये भाई काम छोड़ करके आ गए, मतलब इसने जो काम था वो पहले करके छुट्टी करने के लिए इसने अपने काम मुकम्मल करके मैच से इंजॉयमेंट कर रहे। जी अभी हमारे एक और सर है, क्या पता है वो तो बाकी है, हमें आना चाहिए किधर स्टेडियम में, अच्छा स्टेडियम में आना चाहिए। किस बात की? बात की हम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं उनका आना, हमें अच्छा लग रहा है। आपको नजर आ रहे हैं तो किसको पसंद कर रहे हैं? थोड़ी टीम को क्या है, मैंने तो यकीन कर किसी एक की भी शक्ल नहीं देखी कि किस शक्ल ये शक्ल आप देख लें, सभी एक जैसे लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं वैसे तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा क्या पैगाम देंगे भाई पाकिस्तानी आवाम को? आए यहाँ पर जितना आएंगे आना चाहिए। जी हमारे इधर शूटर भाई बैठे हुए हैं, हिदायत शूटर, ये
भी आज मैच देखने के लिए आए हैं जी भाई। आज आप मैच के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? दो घंटे से मैं देख रहा हूँ आप खामोश बैठे हुए, आपने पाकिस्तान सलामत का नारा कब लगाया? लगाएंगे भाई जब विकटे लेंगे, फिर परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अभी तो खास मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? 40 ओवर हो गए, सारा काम हो जाए, अकेला में पूरा काम हो जाए। चले आप पाकिस्तान सलामत का नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे जोर से लगा था कि वो इधर हरीश रूप खड़े हुए हैं, उसामा खड़े हुए हैं, सब खड़े हैं ताकि इन तक आवाज़ पहुँच जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई ये था हमारे इनायत और शुगर भाई, ये कहना था कि पता नहीं क्यों बोरियत हो रही है भाई, मज़ा नहीं आ रहा, और भाई के पास चलते हो क्या कहते हैं जी भाई। ये थे हमारे तमाशा पाकिस्तानी जो कि स्टेडियम में आए थे, इन सब के ने बड़े खुशी के इजहार किया है कि भाई कुछ टेंशन होती है या स्टेडियम में आके बड़ा जो है ना टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो मैच से इंजॉयमेंट कर रहे हैं और ये साथ में ये पैगाम दे रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जी, और पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है, सारे हमारे हमाम पाकिस्तानी मोहब्बतन पाकिस्तान को ये कहना था कि पाकिस्तान एक पुरान और मोहब्बतन मुल्क है, इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ होनी चाहिए। बड़े खुशाइंद है कि न्यूजीलैंड इस वक्त कराची में खेल रही है, ये खुशी भी हमारे लिए किसी भी